Hey guys, welcome back to our channel. तो यार आज हम बात करने वाले मेरे बीते दो सेमेस्टर ट्रिपल आई टी दिल्ली में कैसे गए, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, कैसे कैसे मैंने अपने आप को आगे बढ़ाते गया, कैसे कैसे मैंने सेमेस्टर को गुजारा, कैसे कैसे मैंने सीखा, लर्न की, कैसे कैसे क्या क्या किया, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। और कैसे उनका पैटर्न है ऑनलाइन का आपको भी फेस करना पड़ेगा इस समय, क्योंकि हमारे जो थर्ड सेमेस्टर है वो भी ऑनलाइन है। तो जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन ले रहे हैं इस बैच 2021 बैच के लिए, तो उनका एक सेमेस्टर तो ऑनलाइन रहने वाला है, तो आपको ऑनलाइन की आदत डालनी पड़ेगी और ऑनलाइन के चीज़ें समझनी पड़ेगी कैसे कैसे क्या करना है। ओके गाइस, तो यार चलते हैं, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यार जो भी चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब तो कर दो। ओके, तो यार सीधे, तो यार सबसे पहले जो भी है इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा, आपका भी इंट्रोडक्शन होगा। जैसे ही आप एडमिशन लोगे, फीस भर दोगे, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन समरी होगी। इंट्रोडक्शन में आपको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन देंगे, बेसिकली कॉलेज होल इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉलेज के बारे में सब कुछ बताएंगे, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग एक एक चीज़ बताएंगे, कॉलेज का डिस्क्राइब करेंगे। ओके, प्रोफेसर को डिस्क्राइब करेंगे और फिर तुम्हारा गाइडेंस कोई गाइड करेगा, भाई ऐसे करना है, कोई भी आकर के तुम्हारे को, जैसे कि हम जब थे हमारे में तो इन्फोसिस के सीईओ आए थे थोड़ा एक लेक्चर देने के लिए, इस तरह से आपके में क्या आता है मुझे पता नहीं। ओके, तो यार अब आगे इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। सेमेस्टर जब हमारा स्टार्ट होना, फर्स्ट सेमेस्टर यार, तो बच्चों के हाई लेवल थे, मतलब थोड़े से एनर्जेटिक थे। जैसे सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं था, बहुत ही कम काम था। सेमेस्टर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे यार, हमारे पाइथन था, पाइथन एक लैंग्वेज आपको भी सिखाएंगे, ये भी बेसिकली प्रोबेबिलिटी आपका भी शायद सेम ही हो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हर ब्रांचेस का सेम ही कोर्स होता है, आपका भी यही होगा शायद से। तो सबसे पहला हमारा था पाइथन, ओके, सेकंड पे था हमारा मैथ, थर्ड था मेरा डीसी डिजिटल सर्किट, फोर्थ था हमारा कम्युनिकेशन, और फिफ्थ था एससीआई होता है ह्यूमन इंटरेक्शन कोर्स। ओके, तो बेसिकली यार यही 5 सब्जेक्ट आपके भी रहने वाले हैं, तो जो भी आप कोडिंग नहीं कर रहे हो तो यार सीख लो, पाइथन करना कर दो स्टार्ट। ओके, तो 5 सब्जेक्ट थे हमारे, अटेंडेंस का कोई झमेला नहीं था, कुछ कुछ में सब्जेक्ट में अटेंडेंस करनी थी, जैसे कि मैं ये बताता हूँ कि आपको किस में अटेंडेंस करनी थी किस में नहीं करनी थी। कम्युनिकेशन में अटेंडेंस जरूरी थी, क्योंकि कम्युनिकेशन में वो आपके हमेशा टेस्ट लिया करती थी मैम। हमारी पाइथन में अटेंडेंस जरूरी थी, क्योंकि पाइथन में सर कोर्स के बाद हर क्लास के बाद एक टेस्ट लिया करते थे, जो कि हमारे टोटल मार्क्स में ऐड होते थे। ओके, तो एससीआई की और एससीआई और तेरा आपका कम्युनिकेशन और हमारा सी और पाइथन, इनमें हमारा क्लास लेना कंपलसरी था, क्योंकि इनमें हमारे टेस्ट हुआ करते थे जो कि मार्क्स ऐड हुआ करते थे, बाकी हमें क्लास नहीं लेते तो चलता था। ओके भाई, अब इन सब के पास एक ही चीज़ एक्स्ट्रा हुआ करती थी, जैसे कि हमारा ना ट्यूटोरियल हुआ करता था हर सब्जेक्ट का, पाइथन का हुआ करता था, मैथ का, हमारा डीसी का, इनके ट्यूटोरियल हुआ करते थे। ट्यूटोरियल में क्या करते थे, ये सब सिखाते थे कैसे करना है, बेसिकली जो हम प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे ना कॉलेज के, जैसे कि कॉलेज अगर जाते तो हम प्रैक्टिकल करते थे, वो प्रैक्टिकल हम नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे टीचर्स ने एक टी अपॉइंट कर रखा हमारे लिए, एक ग्रुप बांट दिया था, एक ग्रुप बना दिया था, जैसे कि जितने भी 500 बच्चे थे, 500 बच्चों को कुछ 6 या 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और उनके ऊपर टी ए, हर सब्जेक्ट हर कोर्स के लिए टी ए डिफाइन कर दिया था। अब वो टीए आपका ट्यूटोरियल लेता, आपको सिखाता, और फिर उसी के बाद आपका ट्यूटोरियल के बाद एक लैब हुआ करती थी, लैब में वो ट्यूटोरियल में सिखाया उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन हुआ करते थे, वो आपको सॉल्व करने थे और सॉल्व करके गूगल क्लासरूम पे ऐड डालने थे, जिसके मार्क्स आपके लास्ट में एंटम में ऐड हुआ होंगे। तो ध्यान रखना है लैब कंपलसरी है करना, और ट्यूटोरियल की क्लास लेना कंपलसरी था फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि उसके अटेंडेंस के मार्क्स थे। ओके, अटेंडेंस 75% होना कंपलसरी थी, कुछ ऐसा सीन था। ओके, बात रही एससीआई की, यार एससीआई में आपका ना असाइनमेंट हुआ करते थे, बाकी सब क्यूज जो भी हमारा एंड सेम मिड सेम हुआ करता था, वो क्यूज और जो असाइनमेंट थे वो हमारे कुछ इस तरह से थे। क्या मैम करती थी, क्योंकि एससीआई का मतलब यार होता है ह्यूमन इंट्रैक्शन, ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। हम एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जो लोगों को समझ में आना चाहिए, लोगों को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आना चाहिए, लोगों को थोड़ा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि उसे यूज कैसे करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ह्यूमन इंट्रैक्शन, लोगों तक एक ऐसी चीज बनाई लोगों तक बिल्कुल लोगों को आराम से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये होता है ऐसे मैम क्या करते थे, हमें कोई भी वेबसाइट कुछ भी ऐप वैप दे देती थी, बोल देती कि इसको तुम कैसे डिजाइन करोगे और अच्छे से हमें बताओ कि
हमें बताओ कि कैसे तुम इसे और अच्छे से यूज करना सीख सकते हो। इसमें ऐसे क्या चीजें जो एक्स्ट्रा है जो तुम और सिंपलर बना सकते हो, जो लोगों को ज्यादा मुश्किल और ना हो यूज करने में। ओके, तो ऐसा कुछ असाइनमेंट मैम SCI की दिया करते थे। और DC में यार डिजिटल सर्किट था हमारा, ठीक है। और डिजिटल सर्किट हम जानते हैं कि सर्किट समय बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने पड़ते थे, इसके लिए वेबसाइट पे यूज करते थे। ट्यूटोरियल भी हमारे को वेबसाइट पे, क्योंकि हम ऑनलाइन तो ऑफलाइन तो है नहीं कि कॉलेज आके करेंगे सर्किट बनाएंगे, तो हमें ऑनलाइन ही बनाना पड़ता था किसी वेबसाइट पे सर्किट। ओके, तो गाइस ऐसा हुआ करता था हमारा डिजिटल सर्किट DC का कोर्स। ओके, और फिर हमारा था कम्युनिकेशन, तो मैंने बात कर ली है। हमारा मैथ की बात कर ली है, मैथ में तो यार ट्यूटोरियल, और पाइथन में तो हमारा ट्यूटोरियल कोडिंग की क्लासेस होती थी, बस ट्यूटोरियल में भी कोडिंग सिखाते थे कि आज ये सिखाएंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर लैब में उसके बेस पे क्वेश्चन आते थे, तो ऐसा लैब। और फिर बीच में असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको, असाइनमेंट मिलेंगे जो कि असाइनमेंट के मार्क्स होंगे, परसेंटेज ऑफ वेटेज होगी, तो ध्यान रखना है, ठीक है। असाइनमेंट क्विज कुछ भी नहीं छोड़ना यार, सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दोबारा तब सबसे लास्ट में बताना चाह रहा हूँ, प्लैगरिज्म से बच के रहना, क्योंकि प्लैगरिज्म का बॉडी लफड़ा है यहाँ पे। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए पेपर या कुछ भी कर रहे हो, आपका कुछ भी कंटेंट आपको किसी और से मैच हो जाता है, तो यार आप प्लैग लग करके आपके 0 नंबर कर देंगे सीधे, कुछ नहीं पूछेंगे। फिर आपको डैक के पास जाना पड़ेगा, डैक हमारा क्या है, वो बेसिकली सब कुछ देखता है कॉलेज के, हाँ डैक के पास आपको जाना पड़ेगा, अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, सर हमने ये नहीं किया था, हमें आता था, किसी दूसरे बच्चे ने ऐसा किया। लेकिन आपका क्वेश्चन आप दूसरे के पास पहुंचा कैसे, शेयरिंग के जरिए से और भी दिक्कत बढ़ेगी, शेयरिंग करेगी तो भी 0, आपने चिटिंग करी तो भी 0 मार्क्स लगने ही लगने हैं। ओके, तो प्लैगरिज्म से बच के रहना। तो यार ये तो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे CGPA आए इतने, ठीक है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा यार, जो भी हमारा सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो आपने CGPA मेंटेन करना, 7 CGPA मिनिमम है प्लेसमेंट में बैठने के लिए, ठीक है। आपको 7 CGPA तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अपने आपको ध्यान रखना कि CGPA कितनी आ रही है हमारी, तो मेरी तो 6 CGPA आई थी क्योंकि मैंने कम पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CGPA 7 मिनिमम रखना ही रखना। ओके, अब हम सेकेंड सेमेस्टर में आ गए, फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में 10 दिन का गैप मिला, यार हमने कुछ पढ़ा नहीं जाता, थोड़ा सीखेंगे, कुछ सोचा सीखेंगे लेकिन नहीं सीख पाए। अब हमारी पाइथन से जावा हो गई थी, सेकेंड सेमेस्टर में पाइथन से जावा हो गई थी। अब फर्स्ट सेमेस्टर में तो सबके ब्रांचेस सेम ही थे, अब सेकेंड सेमेस्टर में सब कुछ एक एक सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया, बाकी 3 सेम थे हर ब्रांचेस के, बस 2 सब्जेक्ट, 2 में से 1 इलेक्टिव था। इलेक्टिव यार कोई भी कुछ भी ले सकता है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन थे, मुझे याद नहीं है, कुछ बैंकिंग था एंड इकोनॉमिक्स था, एथिक्स था, मैंने एथिक्स लिया, और किसी बहुत सारे मोस्टली बच्चों ने यार मनी एंड बैंकिंग लिया। ओके, मेरे पास सेकेंड सेमेस्टर में कौन से ब्रांचेस थे बता देता हूँ, हमारे मैं बेसिकली CSB का हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस, तो मेरे पास थी जावा जिसे हम बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम था, जिसे हम जावा में सॉल्व करते थे, पाइथन में भी कर सकते हैं लेकिन जावा में कर रहे थे, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट नहीं थी, सिर्फ जावा थी, ठीक है। डिजिटल डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम CO, कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी मैथ में हमारे को प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स सिखा रहे थे, और हमारी फिर आ गई FOB फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी, क्यों, क्योंकि मेरा कोर्स है CSB, इसीलिए मेरे को आ गई फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। वैसे ही अगर कोई दूसरा कोर्स होगा CSE का, उसके लिए आ गई थी BE, वैसे ही कोई ECE का हो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो मतलब 3 सब्जेक्ट हर ब्रांच के लिए सेम, उसके लिए बाकी 1 सब्जेक्ट आपके कोर्स से रिलेटेड, जो भी आपका ब्रांच है CSB, CSE, CSM, CSEI और 1 इलेक्टिव, तो ये हमारी 5 ब्रांचेस थी सेकेंड सेमेस्टर में। तो यार अभी इस समय मेरी जो कि सेकंड सेम का पेपर हो चुका है, एग्जाम हो चुके हैं, अब नंबर्स आ रहे हैं, सीधे रिजल्ट आ रहे हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट है, मुझे तो पता नहीं। पेपर्स तो थोड़े सही गए थे, फर्स्ट हमारा मिड सेम का थोड़ा बेकार गया था, कुछ मैथ में थोड़े कम नंबर आए थे, क्योंकि मैथ का पेपर बहुत टफ बनाया था मैम ने। और यार गाइज सेकेंड सेमेस्टर में भाई अटेंडेंस का कोई झमेला नहीं था, सेकेंड सेमेस्टर में हमने अटेंडेंस आप लो या ना लो सेकेंड सेमेस्टर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैब लेना कंपलसरी, क्योंकि लैब में आपके मार्क्स फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि अब मैं बार बार बता रहा हूँ लैब बहुत ही कंपलसरी है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी थी, इसमें भी है, और उसमें अटेंडेंस भी थे, मार्क्स भी थे, इस समय सिर्फ आपके मार्क्स है, तो लैब और लैब ले रहे हो तो अटेंडेंस तो लगेगी, तो आपकी इस समय की लैब थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कि मैं बताना चाहूँ डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में मेरी लैब अलग होती थी, पहले क्या करते थे आपको जो क्वेश्चन हुआ करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको गूगल क्लासरूम पे ऐड करना पड़ेगा अपना आंसर्स पेपर में लिख करके गूगल क्लासरूम पे, लेकिन इस समय थोड़ा डिफरेंट है यार। इस समय क्या है कि हमारा जो DSA का लैब हो रहा है वो लाइव हो रहा है, लाइव मतलब हमारे एक फूबर ट्रिपल IT वेबसाइट है,
जो कि ट्रिपल आईटी की है, हमें उस पर अपना कोड, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके उसी पे सबमिट करना पड़ता है, जो कि लाइव शो करता है कि कितने बच्चों ने दिखा दिए, कितने टाइम में क्वेश्चन किया, कितनी बार गलत किया, ठीक है, वो पूरा अपडेट करता है लाइव आपको। और 2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे सबमिट करना है अपना आंसर करके, कोड पूरा लिख करके। एरर बहुत आएंगे यार, क्योंकि वो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइज कर रहा है तो बहुत सारी गलतियाँ निकले, क्योंकि आप कॉपी पेन में करते हो तो दिक्कत हो जाती है, कॉपी पेन में करने से ज़्यादा कोई आपको, क्योंकि आपने लाइन इधर उधर कर दी, कोई कॉमा नहीं डाला तो चल जाता है, ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर आपको देख रहा है तो आपको गलती बहुत निकालेगा, ठीक है। तो टफनेस थोड़ी बढ़ गई, टफनेस थोड़ी इंक्रीज होगी, मैथ भी थोड़ा टफ हो गया था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स बहुत टफ था इस बार का। और हमारा सीओ कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ये भी थोड़ा हार्ड है यार, कंप्यूटर थोड़ा हार्ड है। फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी हमारे लिए थोड़ी आसान थी, इसमें सिर्फ पढ़ना था। और एथिक्स में यार हमारा वाइवा हुआ था, एथिक्स में हमारा वाइवा हुआ था, मैंने एथिक्स लिया था इसलिए वाइवा मैम ने करवाया, मैम ने पता नहीं वाइवा, क्योंकि इसमें क्विजेस भी हुआ करते थे, क्विज तो नहीं हुए, मेरे कहने का मतलब इसमें एमसीक्यू पेपर भी हो सकते थे, लेकिन मैम ने हमारा वाइवा कराया बेसिकली। अब तुम्हारा क्या करवा सकते पता नहीं, लेकिन हमारा बैंकिंग एंड मनी एंड बैंकिंग में हमारा एमसीक्यू टाइप हुआ करता। ओके, तो ये गाइस हमारा सेकंड सेमेस्टर था। असाइनमेंट भी हुए, असाइनमेंट में थोड़ा डिफरेंट थे यार, क्योंकि इस बार जो हमारे सीओ और डीएसए के असाइनमेंट हुए तो थोड़े डिफरेंट थे यार। सबसे बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में एक चीज कॉमन है कि जब भी आपको कंप्यूटर के, आपको किसी भी रिलेटेड आपको कोई भी असाइनमेंट दिया जाएगा ना, असाइनमेंट के बाद आपका एक एंगेजमेंट होगा। इसमें क्या होगा, आपसे वो असाइनमेंट के बारे में पूछेंगे, आपने असाइनमेंट किया कैसे, जिससे कि अगर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है तो वो पकड़ा जाएगा कि भाई असाइनमेंट अगर चीटिंग करके उसको कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने चीटिंग करी है कहीं से भी कुछ भी ले, तो आप प्लीज असाइनमेंट के बारे में जरूर जाने। आपने किसी दोस्त की मदद ली पूरा कोर्स कोड बनाने में, तो आपने सबमिट तो करा दिया, आंसर नंबर आ गए, लेकिन जब इंगेजमेंट होगी तो आपको सब सब पकड़ लेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आप जब भी ऐसा कर रहे हैं तो असाइनमेंट के बारे में जान लें कि उस बंदे ने किया क्या है, कैसे किया है, सब कुछ की इन्फॉर्मेशन रख लें कि वो पूछे सामने वाला तो आप बता सके, तो दिक्कत नहीं होगी। ओके, सीओ में भी यही है, आपका इंगेजमेंट होगी। ओके, जो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है ना हमारा, इस बार तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे को डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में क्या किया है कि सर ने, जैसे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हमारा सेकेंड सेमेस्टर में आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था, इस बार हमारे को पढ़ाया गया। और एक इंगेजमेंट क्लासेस भी थी, डाटा स्ट्रक्चर, सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर थी, इसमें वहाँ से पूछा जाता है आपको समझ में आ रहा है आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, और उसके नंबर भी है, वो आपसे सवाल 2-3 पूछेंगे, आपके बेसिकली क्रिटिसाइज करेंगे आपको आता है कि नहीं आता, सब कुछ जानेंगे। और स्पेस पे 1.3% है 100% में से इंगेजमेंट की, तो ध्यान रखें यार, सॉरी गाइस, ध्यान रखें इस सब चीज़ों को, बहुत ही कंपलसरी है और अर्जेंट चीज़ है, आपके मार्क्स में बहुत ही 1% का वो करेंगी। और हाँ, ये तो हो गया हमारा सेकंड सेमेस्टर, हमने बात कर ली सेकंड सेमेस्टर ऐसा भी था, ये चीज़ें थी हमारे पास, ये चीज़ें हमने कैसे कैसे की। सबसे एक और चीज़, वेटेज, कैसे कैसे आपको परसेंटेज, कैसे नंबर मिलेगा यार। तो मैं बता दूँ कि हमारे स्कूलों में जैसे हुआ करते थे 33% में बच्चा पास होगा था, यार कॉलेज में ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। कॉलेज में क्या होता है कि आपके जितने भी टोटल बच्चे हैं ना, सबसे पहले बात कर लो कोई भी सब्जेक्ट की, कोई भी, सबसे पहले जितने भी टोटल बच्चे हैं, बच्चों के नंबर के हिसाब से एक एग्रीगेट परसेंटेज बनाई जाती है। जैसे कि 33% आपने बना लिया कॉलेज, सीबीएसई ने बना लिया कि 30% बच्चे पे बच्चा पास हो जाएगा, तो कॉलेज में क्या है कि टोटल बच्चों के जितने भी परसेंटेज में मार्क्स आए हैं उनके हिसाब से एग्रीगेट परसेंटेज बनाई जाती है पासिंग की। जैसे कि हमारी इस बार मैथ की परसेंटेज आई है 25%, तो 25% जिस बच्चे की होंगे टोटल में से वही पास होगा, ठीक है, नहीं तो उसके बाद उसकी अपग्रेड हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि जो परसेंटेज है वो 33% नहीं है, यहाँ पे एग्रीगेट बनाई जाती है परसेंटेज, वो बच्चों की स्टूडेंट्स की मार्क्स पे डिफाइन करती है कि बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे। अगर बच्चों के ही कम आ रहे, मान लीजिए बच्चों के हर बच्चे के 10-10 आ रहे, तो परसेंटेज कम हो जाएगी, परसेंटेज गिर जाएगी, परसेंटेज 20-25% हो जाएगी। बच्चों के हाई आए हैं मार्क्स तो बच्चों परसेंटेज भी हाई हो जाएगी, परसेंटेज भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे परसेंटेज मार्क्सिंग होती है और पासिंग मार्क्सिस होते हैं। ओके, एफ ग्रेड में फेल होता है, ध्यान रखना एफ ग्रेड जब भी अगर आपकी आती तो आप फेल हो गए बैक। और ध्यान रखना कि आपकी 3 सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में, सेम सेमेस्टर में 3 बैक, 3 एफ ना आए। अगर 3 एफ आती है तो आपको बैक माना जाएगा, आपको वो कोर्स फिर से रिपीट करना पड़ेगा, वो सेमेस्टर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ओके, अगर 1 या 2 में आती है तो आप वो कोर्स फिर से सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में लेकर के आप रिकवर कर सकते हैं। और आपकी अगर नहीं भी आई है, आपकी मान लीजिए सी और डी आई है,
तो भी आप कोर्स को लेकर के अपनी मार्क्स बढ़ा सकते हो और अपने ग्रेड को इंक्रीज करवा सकते हो दोबारा करके, दोबारा लेकर के। तो ये ऐसे ही सीन होते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे आपको करना है, ऐसे ही इंजीनियरिंग में होते होंगे शायद बाकियों में भी। तो शायद यही गाइस, यही था, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसे ऐसा फील हुआ, ऐसे ऐसा हुआ, बहुत सारा वर्कलोड भी था, बहुत सारा इधर भी था, कभी कुछ कभी कुछ। ओके तो गाइस करता हूँ आपको समझ में आया होगा यार, अगर नहीं समझ में आया कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी ना यार इंजीनियरिंग कुछ भी कोर्स से रिलेटेड, कोई भी कॉलेज, जरूरी नहीं ट्रिपल आई टी दिल्ली के बच्चे हों, किसी भी कॉलेज के बच्चे कुछ भी तरह के इश्यूज आ रहे हो तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। ओके गाइस तो मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। ओके गाइस चले चलते हैं, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में।